हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे कि क्या विटामिन डी, जिसे विटामिन हम मानते हैं, दरअसल एक हार्मोन है। इज विटामिन डी एक्चुअली अ हार्मोन? क्योंकि विटामिन डी बॉडी में जिस तरह काम करता है, बहुत सारी जगह पे उसके रिसेप्टर्स मिलते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि विटामिन डी अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट, वो बुरा असर भी डालता है, जैसे कि थायरॉक्सिन के साथ देखा जाता है। तो हो सकता है ये विटामिन डी एक विटामिन ना हो, एक हार्मोन ज़्यादा हो। आपको ये पता है कि हार्मोन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ऐसे ही विटामिन डी एक अकेला विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अल्ट्रावायलेट बी रेज की प्रेजेंस में हमारे स्किन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल से कॉली कैल्सीफेरॉल पर तैयार होता है। ये कॉली कैल्सीफेरॉल जो स्किन सेल में है, सीधा लिवर में पहुंचता है और लिवर में कैल्सी डायोल में चेंज हो जाता है। फिर ये कैल्सी डायोल, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा एबंडेंट ब्लड में खूब घूमता रहता है, हमारे किडनी में पहुँचता है, और किडनी में पहुँच कर वो अपने सबसे एक्टिव फॉर्म कैल्सी ट्रायोल में बदल जाता है। तो कैल्सी ट्रायोल को ही हम विटामिन डी का सबसे एक्टिव रूप मानते हैं। अब कैल्सी ट्रायोल, जो कि विटामिन डी का सबसे एक्टिव फॉर्म है, वो हमारी बॉडी सेल्स में मिलने वाले रिसेप्टर से जुड़कर उसमें कई तरह के चेंजेस लाता है, उनकी फिजियोलॉजी में उनके जीन को मॉड्यूल करता है, जीन मॉड्यूलेशन करता है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही काम है जैसे कि हम हॉर्मोन्स के साथ देखते हैं। तो हम क्या पता चल रहा है हमको कि भाई विटामिन डी, चूँकि हमारी बॉडी खुद बना सकती है, जैसे सारे हार्मोन बना सकती है, तो एक तरह हार्मोन है। दूसरी चीज़ कि जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सम ऑफ द हॉर्मोन्स पुट आर बॉडी इन बैड शेप, द सेम इज़ ट्रू फॉर विटामिन डी। विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो वो भी शरीर के लिए बुरा है। तो ये वाली चीज़ हमको बता रही है कि हो ना हो ये विटामिन कम है और हार्मोन ज़्यादा है। अब मैं सबसे पहले इस बात को आपको बताऊंगा कि भाई विटामिन डी के रिसेप्टर कौन से सेल्स पे मिलते हैं। तो विटामिन डी रिसेप्टर्स ऑफ विटामिन डी, दे आर फाउंड ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। विटामिन डी रिसेप्टर्स, और मैंने बताया सबसे एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का होता है कैल्सी ट्रायोल रिसेप्टर्स। दे आर प्रेजेंट ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक वी कैन से ऑन ब्रेन सेल्स पे भी है, ऑन इंटेस्टिनल सेल्स, इंटेस्टाइन पे भी है, ऑन मैक्रोफेजेस बी सेल टी सेल, इट मीन्स इम्यून सेल्स, मैक्रोफेजेस बी एन टी लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा ऑन बोन सेल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बोन सेल्स, टू नेम्स कम इनटू आवर माइंड, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहां पर प्राइमरीली ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पर है, बोन डिजॉल्विंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। इसके अलावा आपको इसके रिसेप्टर्स मसल स्टेम सेल यानी मसल प्रिकर्सर सेल्स पे भी दिखेंगे, स्टेम सेल्स, यू कैन कॉल देम एज मसल प्रिकर्सर सेल्स। सो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ दैट the receptors for calcitriol, they are actually
वेरी एबंडेंट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, तो इसके काम क्या हो सकते हैं भाई? तो अगर अपन कहें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन आर बॉडी, वन कैन ईजिली पॉइंट आउट दैट विदाउट विटामिन डी कैल्शियम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम आर डाइट। खाने में जो कैल्शियम हम ले रहे हैं वो कैल्शियम हम नहीं पचा सकते अगर, या हम नहीं एब्जॉर्ब कर सकते अगर ये विटामिन डी हमारे शरीर में कम हो। तो अगर अपन कहें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन डी एज अ हार्मोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज दिस, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायट्री कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम नॉर्मल डाइट, तो ये जो चीज़ है एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम नॉर्मल डाइट। वन कैन से दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंगस्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो ये वाली चीज हमें याद रखनी है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, और एक विटामिन डी कह लीजिए, दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन, ये वाली चीज़ें सब कैल्शियम होम्योस्टेसिस में काम आती हैं। अब अपन बात करते हैं ब्रेन सेल्स की। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया है कि न्यू ब्रेन सेल्स दे कैन बी फॉर्म्ड इफ विटामिन डी इज इन नॉर्मल अमाउंट टू नॉर्मल लेवल। तो ब्रेन सेल्स पे अगर इसके रिसेप्टर हैं तो डेफिनेटली इट इज वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स, हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ डेवलपिंग ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स। नाउ वी हैव रिटन हियर दैट इम्यून सेल्स पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस एंड बी एंड टी सेल्स दे आर ऑल्सो हैविंग द रिसेप्टर्स फॉर विटामिन डी। तो विटामिन डी के रिसेप्टर्स होने के कारण आप देखोगे कि इसके ऊपर भी इसका रोल है। अब कैसा रोल है वो मैं बता देता हूँ आपको। इम्यून सेल्स में अगर विटामिन डी हमारे कॉन्सेंट्रेशन और लेवल उसका सही है बॉडी में, तो हम देखते हैं कि ये मैक्रोफेजेस बी टी सेल बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, लंग इन्फेक्शन से बचाव हो रहा है। तो ये कह सकते हैं अपन इन अ नटशेल कि विटामिन डी एक्ट्स ऑन इम्यून सेल्स सो दैट इट कैन प्रिवेंट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एंड लंग इन्फेक्शन तो ये वाली चीज भी इसकी हो गई। अब अपन बात करते हैं बोन सेल यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कैसे मॉड्यूलेट करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट का काम है बोन को डिसॉल्व करना, और ऑस्टियोब्लास्ट का काम है बोन को फॉर्म करना। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, बोन मैट्रिक्स बनाते हैं, बोन को रिपेयर करते हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स बोन रीमॉडलिंग के लिए ज़रूरी हैं, बोन को प्रॉपर शेप देने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बोन का रीअब्जॉर्प्शन, बोन की शेप, उसकी मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं आप कह सकते हैं विटामिन डी के। तो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स का काम सीधा है कि बोन की रीमॉडलिंग, बोन रिजॉर्प्शन। Helps in bone remodeling and bone reabsorption. तो ये bone cells पे इस तरह act कर रहा है। Muscle stem cells पे भी इसका काम है भाई, receptor muscle stem cells पे भी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खासकर बच्चे में अगर ये विटामिन डी कम होता है तो उसकी मसल वीक रह जाती है, ये चीज़ हमको आइडिया होता है। तो मसल स्टेम सेल में मसल
प्रिकर्सर सेल पे होने का मतलब सीधा ये है कि अगर इसकी कहीं कमी हो गई देन मसल वोंट वर्क प्रॉपरली, मसल अच्छे से काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डैट मसल इन बेबीज, पर्टिकुलरली इन बेबीज मसल डेवलपमेंट रिक्वायर्स विटामिन डी। तो ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी बहुत सारे काम आ रहा है, और विटामिन डी की कमी से कोलोन कैंसर होता हुआ भी देखा गया है। ये प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ है, अपन इसको बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे भाई कि विटामिन डी इट हेल्प्स इन अदर वेज ऑल्सो, लाइक अपन जैसे कि इसको लिखेंगे विटामिन डी ऑल्सो या डेफिशिएंसी लिख सकते हैं लीड्स टू कोलोन कैंसर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी हेल्थ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रॉपर प्रोस्टेट एक्टिविटी। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन डी इट इज़ मोर अ हार्मोन लेस अ विटामिन, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और इसमें अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कोई रोल पूछे तो आपको सीधा सीधा बताना है कि भाई कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विटामिन डी वेजिटेरियन जो डाइट लेते हैं उनके लिए लेना मुश्किल हो जाता है, विटामिन डी के सोर्स बड़े लिमिटेड हैं। विटामिन डी अगर देखें तो मछली वगैरह में वो होता है, बाकी विटामिन डी यूजुअली मिलना मुश्किल है। तो बेटर ये है कि हम 15-20 मिनट की धूप में बैठ जाएं, क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमारे स्किन सेल्स भी बना सकते हैं। तो विटामिन डी स्किन सेल्स बनाएंगे, और मैंने आपको बताया कॉली कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में बनाएंगे, फिर वो लिवर में जाएगा कैल्सी डायोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ब्लड में घूमेगा इस फॉर्म में, सबसे ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म यही है, पर किडनी उसको कैल्सी ट्रायोल सबसे एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगी। और कैल्सी ट्रायोल सबसे एक्टिव है, उसके रिसेप्टर्स बॉडी में जगह जगह फैले हुए हैं, और अगर ये कम हो गया विटामिन डी तो अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड, आर फिजियोलॉजी विल बी अफेक्टेड, इम्यूनिटी वुड बिकम लो। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से तो बहुत बहुत नुकसान है। हाँ, विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा लेना भी बुरा है, जैसे कि थायराइड की टॉक्सिसिटी होती है, थायरॉक्सिन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो होता है, एग्जैक्टली वही विटामिन डी के साथ भी है। विटामिन डी जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज कैल्सीफाइड हो जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमको दिखाई देने लगती है। तो अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी भरा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।